हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम द किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एगलेस चॉकलेट केक। केक सब बहुत पसंद आता है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। आज के इस एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। मैंने इस केक को ओवन में बेक किया है, आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो आज की इस केक की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए एगलेस चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क बनाएंगे। बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, उसमें हम डालेंगे आधा कप मिल्क और एक टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे हम उसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, तो उसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 कप कोको पाउडर, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1.5 कप पाउडर शुगर लेंगे, 3/4 कप ऑयल डालेंगे उसमें हम, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरा पाउडर्ड शुगर और ऑयल अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें 1 कप दही डालेंगे। तो ये मेरा घर का बना हुआ दही था, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स था, वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 3 भाग में ये कर लेंगे। तो मैंने पहला भाग डाल दिया है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा बटर मिल्क। तो बटर मिल्क भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। तो ये मेरा बटर मिल्क भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे जो मैंने पहले किया था। पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद बटर मिल्क डालकर मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और बटर मिल्क को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने ओवन को प्री हीट के लिए रखा है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो उसे भी स्टैंड रखकर प्री हीट कर दे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ मेरे केक टिन ऑलरेडी रेडी है, मैंने इसे फ्लोर से डस्ट कर लिया था और इसमें ऑयल लगाकर ग्रीस किया है। तो अब हमारा जो बैटर बनाकर रेडी था वो हम इस केक टिन में डाल देंगे और इसे हम टैप कर देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम इसे ओवन में डाल देंगे। तो ओवन में मैं इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करूंगी 35-40 मिनट्स के लिए। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसे लो फ्लेम में 45-50 मिनट्स के लिए रखें। अब हम अपना फ्रॉस्टिंग क्रीम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम बटर लिए है, इसे मैं स्पून की हेल्प से ब्रेक कर रही हूँ। आप इसे विस्कर की हेल्प से भी विस्कर कर इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसके कलर चेंज होने तक हमें इसे मिक्स करना है। तो आप ये देख सकते हैं मेरा एकदम लाइट येलो कलर हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पे टोटल 6 टेबलस्पून शुगर लिए थे, बट हमें इसे थोड़ा थोड़ा कर ऐड करना है। तो मैंने अभी 2 टेबलस्पून शुगर इसमें ऐड किया है और इसे हम अच्छे से विस्कर की हेल्प से विस्क कर देंगे। अब मैं इसमें और 2 टेबलस्पून डालूंगी और वापस से हम इसे विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें और 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और ये हमारा टोटल 6 टेबलस्पून हो चुका है। तो हम अभी इसे अच्छे से विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। तो मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है और उसे अच्छे से मैं विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लूंगी।
ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून मिल्क और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा केक फ्रोस्टिंग रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो ये हमारा केक बेक हो चुका है। हम इसमें नाइफ डालकर चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा नाइफ एकदम प्लेन निकला है। तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब हम इस केक को 2 हिस्से में कट कर लेंगे। तो मैं इसे बीच से कट कर रही हूं। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे शुगर सिरप। हमें अच्छे से शुगर सिरप डालना है इसमें। उसके बाद हम इसमें अपना फ्रोस्टिंग रखेंगे और उसे मैं स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने अपनी चॉकलेट फ्रोस्टिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं अपना केक का दूसरा भाग उस पर रखूंगी और अपना चॉकलेट फ्रोस्टिंग वापस हम इसमें डालेंगे और मैं इसे स्क्रैपर की हेल्प से स्प्रेड कर दूंगी। केक के हर साइड से हम इसे अच्छे से क्रीम लगा देंगे। देखिए मैंने अच्छे से चारों साइड से क्रीम लगा दिया है। अब मैं इसे नोजल की हेल्प से ऊपर से डेकोरेट कर लूंगी। तो मैंने रोज का डेकोरेशन दिया है इसमें। यही डिजाइन मैं अपने बाकी इसमें भी बना दूंगी। ये देखिए मैंने सारे बना दिए हैं। अब हम इसके ऊपर चेरी रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें मिल्क चॉकलेट ग्रेट करके डाल देंगे। तो ये हमारा एगलेस चॉकलेट केक बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इस एगलेस चॉकलेट केक को ओवन में बेक किया है। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसे हमें प्रेशर कुकर में स्टार्टिंग में 10 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद हम उसे 35 टू 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो आप भी इस एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।